नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सटिंग्विशर्स के बारे में कि एक्सटिंग्विशर्स किसे कहते हैं, एक्सटिंग्विशर्स कितने प्रकार के होते हैं, एक्सप्लेनिंग मीडिया क्या होता है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या होता है, सर्विस प्रेशर, मैक्सिमम सर्विस प्रेशर, टेस्ट प्रेशर, ये सब चीजें, ब्रस्ट प्रेशर जो भी होते हैं, वो सभी हम आज इस वीडियो में उनकी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उनको कैसे कैसे डिप्लॉय किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, एक्सटिंग्विशर्स के बारे में मेनली दो आई स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक होता है 15683 और दूसरा होता है 2190। 15683 हमें यह बताता है कि एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के हैं, फायर कितने प्रकार की होती है, एक्सटिंग्विशर्स के टेस्ट कैसे होंगे, प्रेशर्स क्या होंगे, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर क्या होंगे, ये सब चीजें हमें IS 15683 में पता चलती है। और IS स्टैंडर्ड 2190 में हमें पता चलता है कि एक्सटिंग्विशर को कहाँ डिप्लॉय करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनको कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट उनका किया जाना है। एक्सटिंग्विशर जो होते हैं मेनली छोटी फायर्स के लिए यूज किए जाते हैं, इससे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये ज्यादा बड़ी लार्ज फायर के साथ जो है कंपीट कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत कारगर भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि कोई भी आग जब शुरू शुरू होती है तो वह एक छोटे पैमाने से शुरू होती है, और उस दौरान ये एक्सटिंग्विशर अगर वहां अवेलेबल है तो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं उस आग को इनिशियल स्टेज में बुझाने के लिए। इनको डिप्लॉय वहां किया जाता है जहां आग लगने की संभावनाएं होती है। हर जगह फायर फाइटर्स मौजूद नहीं हो सकते, तो लोकल पब्लिक भी इनको इजिली हैंडल कर सकती है, कैरी कर सकती है और ऑपरेट कर सकती है। इनका डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इजी होता है। आपने पास के बारे में सुना होगा, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, सिर्फ यही है। इससे ज्यादा कोई इसमें कुछ चीजें है नहीं। नॉर्मली एक आम इंसान इसको इजिली कैरी कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम आपको क्लासिफिकेशन फायर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। फर्स्ट टाइप की फायर होती है क्लास ए, बी, सी, डी और एफ। इनके बारे में हमने डिटेल वीडियो पहले बना रखी है, आप वहां पे देख सकते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आखिर कहते किसे हैं। देखिए, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स वे एक्सटिंग्विशर है जिनका ब्रो स्वीप यानी कि एक्सप्लेनिंग मीडिया और एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इनको मिलाने के बाद 17 kg या उससे कम हो, अगर इससे ज्यादा उनका वेट होता है तो उसको हम ट्रोली माउंटेड या फिर टू व्हील माउंटेड एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उनको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में काउंट नहीं करेंगे। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का वेट 17 kg या उससे कम होगा और वो भी ग्रॉस वेट। अब इसमें मैंने दो शब्दों का यूज किया, एक होता है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया और एक एक्सप्लेनिंग मीडिया। आखिरकार ये है क्या, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सटिंग्विशिंग मीडिया वह मीडिया है जो आपको बुझाने का काम करता है, जैसे पानी, फोम, डीसीबी, CO2। और एक्सप्लेनिंग मीडिया वह मीडिया है जो इस एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को सहायता देता है या प्रेशर देता है आग तक पहुंचने के लिए, जिसके लिए हम बेसिकली CO2 गैस या फिर नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। जो एक्सटिंग्विशर का डिवाइडेशन होता है वो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के ऊपर होता है, यानी कि जो उसमें प्रोपेलेंट भरा गया है, जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया भरा गया है, आधार पे 6 प्रकार के एक्सटिंग्विशर्स निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहला आता है वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर, वाटर बेस्ड यानी कि जिनको आग बुझाने के लिए जिस एक्सटिंग्विशर के अंदर पानी भरा जाता है। इसके साथ अलग अलग इसकी सब कैटेगरीज भी होती है, जैसे वाटर विद एंटीफ्रीज एजेंट, वाटर विद एडहेसिव एजेंट, वाटर विद विस्कोसिटी एजेंट, यानी कि अंदर इसके अंदर जो अलग अलग सब्सटेंस मिलाए जाते हैं उसके आधार पर इसकी सब कैटेगरीज भी बना दी जाती है। दूसरा होता है फोम, फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर्स, ये अलग लगाते हैं, केमिकल और मैकेनिकल दो टाइप के फोम होते हैं और दोनों टाइप के फोम को से भरा जाता है। हालांकि अभी केमिकल फोम्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, वो कहीं भी यूज होता नहीं है। तीसरा आता हमारा CO2, जिसके अंदर CO2 गैस भरी जाती है आपको बुझाने के लिए। चौथा आता हमारा ड्राई केमिकल पाउडर DCP। पांचवा हमारा आता है क्लीन एजेंट, जिसके अंदर इनर्ट गैसेस को फिल किया जाता है। और छठा आता हमारा वाटर मिस्ट। ये 6 प्रकार के एक्सटिंग्विशर्स यूज किए जाते हैं। अभी बात करते हैं सर्विस प्रेशर के लिए। सर्विस प्रेशर ही डिसाइड करता है कि कोई एक्सटिंग्विशर लो प्रेशर एक्सटिंग्विशर है या फिर हाई प्रेशर एक्सटिंग्विशर है। अब इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, अगर स्टोर प्रेशर एक्सटिंग्विशर है तो उसके अंदर पहले से प्रेशर डेवलप है और हम उसको उस प्रकार से काउंट कर सकते हैं, और अगर वह गैस कार्टेज टाइप है तो उसके नोजल को ब्लॉक करके एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट कर दिया जाता है और उसके अंदर प्रेशर डेवलप किया जाता है, और यह डेवलप प्रेशर 18 घंटे के लिए 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस होता है 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में इसको 18 घंटे तक रखा जाता है।
18 घंटे के बाद इसका प्रेशर चेक किया जाता है कि इसके अंदर प्रेशर कितना डेवलप है। अगर यह प्रेशर 19 बार या उससे कम है तो हम इसे लो प्रेशर एक्सटिंग्विशर कहेंगे, जैसे कि हमारा वाटर फोम या डीसीपी एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ये लो प्रेशर एक्सटिंग्विशर होते हैं, और साथ ही साथ हमारा क्लीन एजेंट भी जो होता है वो भी लो प्रेशर एक्सटिंग्विशर होता है। और अगर यह 19 बार से अधिक मिलता है, 20 22 25 जो भी हो, अगर ज्यादा मिलता है यह प्रेशर तो हम इसे हाई प्रेशर एक्सटिंग्विशर कह देंगे, जैसे कि हमारा CO2। इसके साथ ही एक चीज और चेक की जाती होती है मैक्सिमम सर्विस प्रेशर। मैक्सिमम सर्विस प्रेशर को भी सेम प्रोसीजर के साथ चेक किया जाता है, लेकिन अब इसको चेक करने के लिए टेम्परेचर जो है 55 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 50 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको चेक किया जाता है। अब इससे निर्धारित किया गया जाता है वह देख लीजिए, हमने जब सर्विस प्रेशर चेक किया यानी कि पता चला कि 19 बार से कम का है ज्यादा का है, तो हमें पता चला कि है लो प्रेशर एक्सटिंग्विशर है या फिर हाई प्रेशर एक्सटिंग्विशर है। लेकिन जब हम मैक्सिमम सर्विस प्रेशर चेक करते हैं तो इससे हम एक्सटिंग्विशर का ब्रश प्रेशर टेस्ट और हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट देख पाते हैं। अब इसका टेस्ट प्रेशर कैसे किया जाता है, हमने पहले मैक्सिमम सर्विस प्रेशर चेक किया था, वह जितना प्रेशर आता है उसको 1.43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिए सर्विस प्रेशर नहीं, मैक्सिमम सर्विस प्रेशर जो हमने 55 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पे किया था उसका 1.43 इंटू या फिर मिनिमम 35 बार यानी कि मिनिमम 35 बार या 3.5 एमपीए मेगापास्कल जैसे कहते हैं उस पे करते हैं। यहाँ पे एक्सटिंग्विशर में किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी समस्या एक्सटिंग्विशर के साथ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे होता है उसका टेस्ट प्रेशर जो हम उसका अलग अलग होता है, 5 साल भी होता है 3 साल भी होता है वो। उसके अलावा जो दूसरा होता है ब्रश प्रेशर टेस्ट, यानी कि जिस पर मिनिमम इतना प्रेशर वो एक्सटिंग्विशर झेल सके वो होता है 55 बार पर, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस पे हम उसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट करते हैं। और जो ब्रश प्रेशर टेस्ट होता है यानी कि एक्सटिंग्विशर को फटने का जो मिनिमम प्रेशर होता है वो होता है 55 बार, यानी कि 55 बार तक वो एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, ब्रस्ट नहीं करना चाहिए। डिस्चार्ज रेंज और डिस्चार्ज टाइम 1A या 1A ये फायर रेटिंग्स होती है, 1A 2A 3A या आपने B में देखेंगे 8B 13B 21B, ये सभी फायर रेटिंग्स होती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इनके लिए जो डिस्चार्ज रेंज होती है या फिर डिस्चार्ज टाइम होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं बता दीजिए। 1A या उससे कम है तो मिनिमम 8 सेकेंड, और अगर 2A या फिर उससे ज्यादा है तो वो 13 सेकेंड जो उसकी डिस्चार्ज रेंज होनी चाहिए, यानी कि टाइमिंग होना चाहिए, और 2 मीटर तक इसका थ्रो होना चाहिए। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं या फिर अगर बी में भी है तो भी सेम टेस्ट कैसे करेंगे, इसको एक रूम में जहाँ पे ज्यादा हवा वगैरह ना चल रही हो, स्टेबल रूम हो, उसके अंदर इसका टेस्ट किया जाता है। पहले एक्सटिंग्विशर को जो है 18 घंटे तक, जो हमने आपको बताया था ना कि 18 घंटे तक उसको प्रेशराइज करके रखना है ताकि हमें उसका प्रेशर पता चल सके, 18 घंटे तक प्रेशराइज करके रखेंगे। उसके बाद जमीन से 1 मीटर ऊपर उसको पोजीशन करेंगे और 5 मिनट तक रोक के रखेंगे ताकि वो स्टेबल रहे। 5 मिनट के बाद हम उसको जो ऑपरेट करेंगे तो उसकी जो रेंज है, मान लो 2 मीटर आई या 3 मीटर जो भी उसकी रेंज थी हमने डिस्क्राइब की थी, उस रेंज तक अगर वो 15 सेकंड में खाली होता है तो 7.5 सेकंड तक उसको अपनी वो रेंज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, यानी 50% टाइम जो है उसको अपनी वो रेंज मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वो 2 मीटर का तो 2 मीटर तक उसको अपनी रेंज मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर कंपनी इसको क्लेम कर रही है 3 मीटर तक तो 3 मीटर तक उसकी रेंज उसको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और साथ के साथ देखना कि अगर वह एक्सटिंग्विशर फोम टाइप, वाटर टाइप या सीओ टाइप इस प्रकार का है तो वह जो है 95% तक इस टाइम में खाली हो जाना चाहिए। अगर वह डीसीपी का है तो 90% तक वह एक्सटिंग्विशर खाली हो जाना चाहिए। अगर आप 10 kg का एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करते हैं तो उसका जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, जो आग बुझाने वाली सामग्री यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर, वह 90% तक बाहर जानी चाहिए यानी कि आग के ऊपर पहुंचनी चाहिए। और अगर वह फोम वाटर या सीओ टाइप है तो 95% तक वो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया उस एक्सटिंग्विशर से बाहर निकल जाना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सटिंग्विशर के इंस्टॉलेशन की, एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल कैसे कैसे कहां कहां किया जाता है। देखिए खतरे को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहले आते हैं कम जोखिम वाला, यानी कि जहां पे हजार्ड्स कम हो, लो हजार्ड्स वाली। ये कौन कौन सी जगह होती है, जैसे कोई ऑफिस हुआ या घर होटल या ऐसी जगह पे जहाँ पे साज सज्जा का या कोई ऐसा कम्बस्टेबल मटेरियल, जब ज्वलनशील पदार्थ बहुत कम मात्रा में हो और आग के फैलने की संभावनाएं कम हो, इन लो हजार्ड्स में रखते हैं।
और इसमें जो क्लास बी के मटेरियल्स होते हैं यानी कि जलने वाले लिक्विड्स, उनकी मात्रा 1 लीटर से लेकर 4 लीटर के बीच होनी चाहिए, यानी कि 4 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी सुरक्षित रूप से कंटेनर में सील्ड होने चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसी कंडीशन है, तो वो उसको हम लो हैजर्ड्स यानी कि कम खतरे वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित करते हैं। उसके बाद आता है मीडियम हैजर्ड्स यानी कि मध्यम खतरा, यहाँ पे ज्वलनशील लिक्विड होगा वो 4 लीटर से लेके 20 लीटर तक होता है, और जो जलने वाली सामग्री होती है वो रैपिडली तो नहीं जलती, लेकिन उसकी जलने की थोड़ी सी कम क्षेत्र वाले जगह से थोड़ी ज्यादा रहती है, जैसे कि आप किचन हो सकते हैं, कोई छोटे मोटे व्यावसायिक केंद्र हो सकते हैं, या दुकानें, या कोई शोरूम वगैरह हो सकता है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो सकते हैं, इन सब को हम मीडियम हैजर्ड्स के अंदर रखते हैं। और इसके बाद आता है हाई हैजर्ड्स, जहां जो जलने वाला लिक्विड है वो 20 लीटर से ज्यादा हो और जो बाकी सामग्री है वहां पे रैपिडली फायर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम हाई हैजर्ड्स में रखते हैं। अब वहां पे हमें एक्सटिंग्विशर्स का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो जहां भी आप, मेन चीज जो हमें फोकस करनी है, अगर हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, किसी भी फ्लोर पे अगर एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉल करने हैं, तो पहले यह चीजें देखिए, अगर हमने ग्राउंड फ्लोर पे स्टेयर केस के पास में एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, हर फ्लोर पे उसी प्रकार से एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि हर फ्लोर वाले को यह ज्ञात रहे कि अगर हम दूसरे फ्लोर पे भी जाएंगे तो एक्सटिंग्विशर हमें काम मिल सकते हैं। कोई भी व्यावसायिक बिल्डिंग होती है उसमें फ्लोर सेम होते हैं, आप घरों में देखेंगे तो वहां भी फ्लोर उसी प्रकार से होते हैं, जो बेस स्ट्रक्चर होता है उसी के ऊपर से, उसी प्रकार से अलग ऊपर वाले फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। अब इनको ऐसी जगह पे रखना है जहां अगर आग लगे और लोग मूवमेंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तो उनको दिखाई दे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रास्ते में आप उनको रास्ता ब्लॉक कर देंगे। स्टेयर केस के पास आप रख सकते हैं, क्योंकि सभी जो है आग लगने के दौरान आप लोगों को कहा जाता होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना, स्टेयर केस का प्रयोग करना है। तो अगर हम वहां स्टेयर केस के पास में इनको रखते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा आग के ऊपर काबू पाना, क्योंकि लोग आते जाते उनको देख सकते हैं और उसका यूज करके आपको बुझा सकते हैं। साथ ही अगर खुले क्षेत्र में इनको इंस्टॉल करना है, खुले में, पहली बात तो पीओटू को खुले एरिया में इंस्टॉल करने से बचें, उसको वहां पे इंस्टॉल ना करें, लेकिन अगर फिर भी करना पड़ता है तो कोई भी एक्सटिंग्विशर है उनको किसी शेड के अंदर रखें, लेकिन वो शेड इस प्रकार का होना चाहिए कि हम उससे इजिली एक्सेस कर सके और उसको इजिली देख सके। इनको या तो हम शेड के अंदर रख सकते हैं एक्सटिंग्विशर बॉक्सेस के अंदर, या फिर इनको हम वॉल माउंट कर सकते हैं यानी कि दीवारों के ऊपर लगा सकते हैं। दीवारों पर लगाने के लिए आप जमीन से 1 मीटर ऊपर, जो उसका बॉटम होगा एक्सटिंग्विशर का, उसको जमीन से 1 मीटर ऊपर आप इंस्टॉल करेंगे, और जो उसका टॉप होगा एक्सटिंग्विशर का उसके 1 मीटर ऊपर जो है आप फायर एक्सटिंग्विशर लिखेंगे, ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किया हुआ है। ऐसी जगह पे ना लगाए जहां से आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो, लोगों को इजिली दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जिस पर्पज के लिए आपने एक्सटिंग्विशर लगाया वो पर्पज पूरा होना चाहिए। मान लो आप कहीं पे किसी लिक्विड फायर की संभावना ज्यादा है, कोई कंटेनर है, और वहां पे आप सिर्फ एक क्लास का वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर करोगे तो फायदा नहीं है, तो सीधी बात है वहां पे आप क्लास बी का एक्सटिंग्विशर रखेंगे। इन सब चीजों को देखना है, एक्सटिंग्विशर को ज्यादा नजदीक भी ना रखे कि आपने 1 या 2 मीटर के पास रख दिया और जब आग लगी तो आप उस तक रीच ना पहुंचा पाए, और इतना दूर भी ना रखे कि आग लगी है और आपको उठाने के लिए 50 मीटर दूर अपना है, तो इसको मैक्सिमम 15 मीटर के दायरे में ही रखे, लेकिन इतना नजदीक भी ना रखे कि उठाते समय, यूज करते समय आप इस तक पहुंच ना पाए और आप खुद अपने आप को इंजर्ड कर ले। जांच और रख रखाव, नियमित रूप से इनकी जांच की जानी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर जहां इंस्टॉल किया गया वो वहां पर है या नहीं है। आप इसके वजन का अगर स्टोर प्रेशर है तो आगे आप चेक कर सकते हैं, इसके वेट में किसी प्रकार का कोई कमी तो है नहीं, या वो खाली तो नहीं है। इसके अलावा आप उसके मार्क करेंगे मंथली चेकिंग या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो भी चेकिंग होता है वो करेंगे, और अगली नेक्स्ट चेक डेट भी आप उसके ऊपर मेंशन करके जाएंगे। उसको अगर आपको खाद्य टाइप है तो आप उसको खोल के देखेंगे, लेकिन याद रखिए जब आप डीसीपी पाउडर के एक्सटिंग्विशर को खोल के देखें तो उसको ज्यादा समय तक खुला ना रहे रखें, क्योंकि केकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ज्यादा देर तक अगर वो खुला रहेगा तो मॉइस्चर को पकड़ के केकिंग यानी कि पत्थर की तरह वो होश हो जाता है, जम जाता है, एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, इसे केकिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसे फोम का एक्सटिंग्विशर जब आप चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि फोम काला ना पड़ गया है, इस फोम के साथ जो है स्लज की प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो नीचे कीचड़ जैसा हो जाता है। वाटर टाइप का एक्सटिंग्विशर को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर से कोटिंग वगैरह आपको चेक कर लेंगे, पानी जो है रस्टेड तो नहीं हो गया। कई बार क्या होता है अंदर से इनर कोटिंग एक्सटिंग्विशर की खराब हो जाती है, जिसकी वजह से पानी में रस्ट पड़ना शुरू हो जाता है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, किसी भी एक्सटिंग्विशर में, मान लो आप डीसीपी एक्सटिंग्विशर अगर आप करें, उसमें जो मटेरियल डाला है गया है सेम मटेरियल आप उसके अंदर रखेंगे। अगर
एबीसी पाउडर है तो अगली बार उसमें एबीसी पाउडर रिफिल करें या फिर उसको क्लीन करें, और बीसी है तो बीसी और डी है तो डी, क्योंकि आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं जिसकी वजह से कंटेनर में एक्स्ट्रा दबाव यानी एक्सटिंग्विशर के अंदर एक्स्ट्रा दबाव डेवलप हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो भी एक्सटिंग्विशर आप यूज कर रहे हैं इस प्रकार की चीजें ना हो। फोम जो है सेम कैटेगरी का फोम ही यूज करें। अगर आप ए ट्रिपल एफ यूज कर रहे हैं या ट्रिपल एफ टी भी यूज कर रहे हैं, फ्लोरो प्रोटीन यूज कर रहे हैं, प्रोटीन जो भी आप जिस प्रकार का फोम आप यूज कर रहे हैं सेम फोम को ही डालें। ये नहीं कि दो फोम को मिला दें, इससे फोम की जो मात्रा है क्वालिटी है वो इफेक्ट होती है और अच्छी फोम की क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी। कुछ केसेस में फोम बनता भी नहीं है, किसी को चेक करने के बाद उसके जितने पुर्जे हैं पेपर असेंबली है या फिर नोजल वगैरह है वहां पे आप उसको ऑयलिंग कर सकते हैं। एक्सटिंग्विशर्स के बारे में लगभग हमने जान लिया है, कुछ चीजें बची होगी उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई किसी प्रकार का कोई डाउट या संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने। जय हिंद जय भारत।